पे हास्यास्पद था। मैं निजी तौर पर बिल्कुल ही निराश नहीं था और मुझे लग रहा था कि ये भी एक तरह से माइंड गेम है और उस माइंड गेम का ही हिस्सा है, इस तरह दिखाया जा रहा है ताकि विपक्ष के भीतर, उनके कार्यकर्ताओं के भीतर, उनके नेताओं के भीतर एक हताशा आए और वो चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हार मान लें। लेकिन मैंने देखा कि विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब हो या और तमाम दलों के, आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसको खारिज किया और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया कि नहीं, आप टिके रहिए और अंतिम वोट की गिनती तक आपको टिके रहना है, नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। फाइनल नतीजे जो अभी तक रुझान है उससे ये साफ लग रहा है कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख नहीं रहे हैं। बहुत इलाकों में बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है और बिहार में भी जो कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि अंतिम नतीजे आते आते उसमें बड़ा चेंज दिखेगा। अभी जो दिख रहा है, जो 25-15 का जो आंकड़ा स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, वो उसमें तब्दीली होती, क्योंकि जो अपडेट जो हो रहा है उस अपडेट के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बदलेंगी बिहार में भी। और बिहार में ये जो कहा जा रहा था कि कम से कम वो 50% से ऊपर का शेयर ले जाएगा इंडिया अलायंस, वो मुझे लगता है कि उस दिशा में ये चुनाव परिणाम आगे की ओर बढ़ेगा जो रुझान आ रहा है उसके मुताबिक। जी मिश्रा जी, बिल्कुल, और ये साफ तौर पर लग रहा है, महाराष्ट्र की बात करना भी बेहद जरूरी है यहाँ पर। महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, 48 सीटें हैं वहां पर, और आपको पता ही है कि किस तरह से दो जो वहां की मुख्य पार्टियां थी, रीजनल पार्टी एनसीपी और शिवसेना, उसको कैसे तोड़ा गया, उसे दो भागों में तोड़ दिया गया, जोड़ तोड़ कर उन्होंने अपनी वहां पर सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि इसी की वो मास्टर है, जोड़ तोड़ की ही वो मास्टर है। जहां पर उनके आंकड़े भी नहीं आते हैं, सीटें भी नहीं आती, वहां पर भी कैसे किस तरह से वो सरकारों को गिराकर अपनी सरकारें बनाने में माहिर है। जनादेश का माहौल उड़ाना शायद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई और नहीं जानता होगा, और ये सब हमने देखा है। उसी महाराष्ट्र की मैं यहां पर बात कर रही हूं, महाराष्ट्र बेहद महत्वपूर्ण है, 48 सीटें वहां से आती हैं, और ये बताएगा कि असली शिवसेना, असली एनसीपी कौन है, और कांग्रेस जिसके एक बड़े नेता एंड चुनाव से पहले चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, आप ये देखिए कि वही कांग्रेस पार्टी जो है वो 11 सीटों पर आगे चल रही है, और बीजेपी भी 11 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है। लेकिन अगर टोटल इंडिया और एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए 18 और इंडिया 29 सीटों पर आगे यहां पर चल रहा है। तो आप ये समझिए कि 48 सीटें जहां से आती हैं, जिस राज्य से, अगर वहां से एनडीए जो है, जिसकी बहुत उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी कि सबसे बड़ा झटका जो है वो उनको लगने जा रहा है महाराष्ट्र से, और वही बड़ा झटका जो है वो महाराष्ट्र से यहां पर लग रहा है, सिंपैथी वोट लग रहा है कि कांग्रेस से लेकर और शिवसेना को मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, और वही जो सिंपैथी वोट है वही कहीं ना कहीं यहां पर रुझानों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा महाराष्ट्र, और दोनों ही राज्यों से आप ये देखें बीजेपी के लिए बहुत चिंताजनक खबरें हैं, और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत उत्साहवर्धक खबरें हैं जो रुझान फिलहाल आ रहे हैं। पंकज जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों की बात करना, चार मुख्य राज्य जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, सबसे पहले बात यहां पर उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र की, बिहार की और बंगाल की, ये वो चार राज्य हैं जो सबसे ज्यादा सीटें अपने में लिए हुए हैं। अगर इन्हीं राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े झटके लगते हुए नजर आए, और बिहार में बीजेपी से ज्यादा जेडीयू अगर आगे बढ़ती हुई नजर आए, कैसे देखते हैं आप इसको फिलहाल? और फिलहाल किट वक्त भी देखना बेहद जरूरी है, अगर फिलहाल वक्त की बात करते हैं तो 12 बजने वाले हैं, 11:51, और बहुत कोई बड़ी तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही है, एक आध घंटे का ही वक्त है, और उसके बाद लगभग पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि ये रुझान रिजल्ट में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। पंकज जी, नंदुरबार में कांग्रेस के 87,000 से आगे है, या